पैसे के लिए कुछ भी करो, पैसे के लिए जो चाहे सो गलत काम करो, वो ठीक है, ये हिंदुस्तानियों का पाप। मैं सरकारी बात नहीं कर रही हूं, मैं परमात्मा की बात करूं, परमात्मा के राज्य की बात करूं। जब आप परमात्मा के राज्य में हैं, तो देगा नहीं तो नहीं देगा। इतनी कम अज कम रुक्ति ले आने में क्या लगता है, करेगा नहीं तो नहीं करेगा। जैसे राखहु तैसे ही रहो, सहज योगी कर इतना एक कर ले कि जैसे राखहु तैसे ही रहो, जैसे भी रखो मंजूर है तुमको, देख लेते तुम कैसे रखते और हम कैसे रखें। हर एक चीज का एक मजाक हो सकता, हर एक चीज में एक आनंद आ सकता। कैसे रखोगे, भूखे रखोगे, अच्छा देख लेते कितने दिन भूखे रखते हो। जैसे राखहु तैसे ही रहो, चाहे पैदल चलाओ तो पैदल चलेंगे, चाहे घोड़े पे बिठाओ तो घोड़े पे चलेंगे। ऐसे मस्ती में जब आप आ जाएगा, बाकी तो आपका भगवान की कृपा से ऐसी योग भूमि में आप पैदा हुए हैं कि बाकी का हिस्सा ठीक है। आपके माँ बाप ठिकाने से हैं, आपके बीवी बच्चे ठिकाने से, आपका चरित्र भी इतना गड़बड़ छड़बड़ नहीं है। कुछ लोगों का वो भी गड़बड़ है, लेकिन इतना गड़बड़ नहीं, ठीक हो सकता है। वो वहां पर इतना ज्यादा दूसरा वाला पाप है कि सबकी आंख यूं 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 औरतें आदमियों को चलती रहती है, हर समय मैंने बाधा उनके अंदर, एक के से एक दूसरे की बाधा जा रही। एक औरत आई उसको देखा, औरत ने आदमी को देखा, यही चलते रहता वहां पर, चक्कर ही ऐसा। तो हमसे कहले माता जी ये तो यहाँ सबके बाधा घुस जाती आंख में, करे क्या आंख। मैंने कहा आंख जरा नीचे रखो। लक्ष्मण जी कैसे, सीताजी के सिर्फ पैर देखे नीचा, धीरे धीरे अपने आप वो बाधाएं छूट जाएंगी। जब आप ऐसे धंधे ही नहीं करेगा तो वहां रहने का उसको काम क्या बाधा। अपने आप जो अंदर में भूत आपके अंदर में घूम रहा है, भूत आपके अंदर में काम कर रहा है, वो अपने आप ही वहां से भाग जाएंगे। अगर आप इधर उधर आंख नहीं घुमाइएगा तो एकदम से वो भूत भाग जाएंगे। और जब तक आप अपनी आंख घुमाते रहिएगा वो भूत वहां बैठे रहेंगे। फौरन आंखें सब की रास्ते में चलते हैं, आंख यूं करके चलते, ये साधु लक्षण। माने कह दिया, मान लिया, ये बच्चों के लक्षण है, आपके भले के लिए है, आपके कल्याणी के लिए कह रहे। आपको भी समझना है कि सहज योग में हमने जितना पाना है वो पाने का ही है, इसी जन्म में हमको पाने का है, किसी और को नहीं। हमको पाने, हमको लेने का, दूसरों को नहीं। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी सोचो कि हमने कितना पाया, हम इसके कितने गहराई में उतरे, हमने क्या पाया, हम अपने साथ क्या व्यवहार करें, हम क्यों ढोंग कर रहे हैं अपने साथ, हम क्यों अपने को ठगा रहे हैं, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, हम अपने साथ क्यों आए थी जाति कर रहे हैं, हमने क्या पा लिया। अरे सारा भंडार खोल दिया, आ जाओ अंदर, जैसे भी हो आ जाओ, हम नहला धुला के तुमको बिठा देंगे। फिर सोच क्या, कितने गहरे उतरे हम गंगा की शीतल धारा में, कितने अंदर बहते गए हम, वो तो बह रही पूरी तरह से कि लो बेटे लो लो जो लेना ले। कितनी घाघर हमने भर ली, चित्त हमारा इधर उधर दौड़ रहा है। अपनी और दृष्टि करते ही तुम समझ जाओगे कि तुमने ही अपने साथ छलना करी, किसी और ने की नहीं। ये बड़ा भारी अंतर है सहज योग के लिए नुकसान का भी। अपनी और दृष्टि न रखना ये सहज योग के लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज है। और अपने और उसी मनुष्य की दृष्टि होती है स्वभावता ही, जो जन्म जन्मांतर से खोज रहा है, वो जानता है कि मेरी गलतियों की वजह से मैं नहीं पाया था, मैं और गलती नहीं करूंगा। जैसे कि कुंद घर के अंदर में आप बंद हैं और निकलने का रास्ता नहीं, जिसने 10 जगह दरवाजे पर ठोका मारा है, जिसका सर फूटा है 10 जगह, वो फिर सोचता है नहीं, रास्ते की ओर नजर रखो, दरवाजे की ओर नजर रखो। सतगुरु से मार खाने से वो दरवाजे की ओर, वो कुछ और नहीं जानता है, सिर्फ ये जानता है हाँ मैंने पाया ना, मैंने देखा है ना, मुझे मालूम है वाइब्रेशन आ रहे हैं मेरे अंदर से, संस्कार मेरा छिदा है, मैंने जाना है, होता है ये सही बात। बस उसी बात को पकड़े हुए हैं, उसी दरवाजे को पकड़े हैं। फिर माँ अगर कह दे खुद भी तो ये नहीं कि मैं ये नहीं मानता वो नहीं मानता, जो भी कह रही है हर एक बात सही है। और जैसे ही वो कहते हैं सारा की सारा ऊंचे आगे ज्ञान आते जा रहा है। आप लोगों की बैठक बढ़नी चाहिए, बैठक जमनी चाहिए। उनसे तो बैठक शब्द ही मैं कह सकती कि बैठक जमाओ, बेचारे बैठक शब्द भी नहीं जानते, अंग्रेजी भाषा ऐसे ही क्या काम की है, उनका कोई ऐसा संस्कृति नहीं है, उनकी ऐसी कल्चर ही नहीं है, ऐसी वहां बातें नहीं है। कितने अभागी लोग, और बड़े बड़े साधु, आप लोग कितने सौभाग्य, आप ही के देश में मेरा जन्म हुआ है, इसी योग भूमि में मेरा जन्म हुआ है। नहीं कि आप कितने स्वर्ग भूमि में रहे, जहाँ पर माँ बहन का पता नहीं, इतनी वहां की गंदगी है उस देश में, जहाँ पर घर घर में शराब चलती, इतने गंदे आपस में संबंध है, किसी का घर का ठिकाना नहीं, माँ का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं। उसे पूछे तुम्हारी माँ का, तो कहते पता नहीं कहाँ चली गई, उसे किससे शादी कर, चरित्रहीन मूलाधार चक्र सबका चौपट। ऐसे देश में पैदा होकर के भी गणेश को लेकर के आए, माँ गणेश दो हमको, गणेश के सामने सर पटक 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 के, कान पकड़ पकड़ पश्चाताप की पूरे धुन में लगे, और उसमें एक वीरता बनी, इतना बड़ा उनके अंदर जागरण अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी, और सहज योग के ऐसे ऐसे अनुभव और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई। आपके पास एक चिट्ठी मैंने भेजी थी, वो उन सब लोगों ने मिलकर के उसका पता लगाया।
मेरे भी असलियत का पता उन लोगों ने लगाया, अभी तक आपकी नहीं नजर में आई बात, उनकी आ गई, वो समझ गए यही बात है, यही ये चीज है, कहने को महामाया अंदर बात ये, उन्होंने इतना आनंद नहीं पाया, लेकिन सर्वस्व लगा करके वो लोग लगे हुए हैं, वो समझ गए हैं कि उत्क्रांति का वो समय आ गया है कि सत्युग दरवाजे पर, और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर सत्युग का दरवाजा नहीं खुला तो बिल्कुल दूसरा संहार का दरवाजा खुलने वाला है, और सबको जिम्मेदारी है इस चीज की, इसकी जिम्मेदारी वो सोचते हैं कि हमें ये करने का है, वो जिम्मेदार है सहयोग के लिए। मजाल ने कोई सहयोग के विरोध में एक अक्षर बोले, आपस में बोलने का तो सवाल ही नहीं, पर कोई बोलता है तो फौरन उसी को मार छाड़ के रख देते हैं। उनसे अगर मैं कहूं 24 घंटा तुम बगैर खाना खाने बैठे रहो, बैठे रहे, लेकिन इसका यह अर्थ है कि आप लोग कुछ काम, आप लोगों ने, आप में से किसी किसी ने जो हाइट्स साधी है, जिस हाइट्स पे पहुंच गए, जिस ऊंचाई पे पहुंच गए, तो कमाल, लेकिन सबको अपने अपने लिए बड़ा घमंड है, ये बड़ा प्रॉब्लम। नहीं तो ये जो उत्क्रांति का प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसमें से आप फेंक दिए जाएंगे, वो समय दूर नहीं, मैंने 79 बता दिया कि 79 तक ही ये कार्य होगा, उससे आगे 99 ईयर तक सत्युग पूरा मैच्योर हो जाएगा। हाँ, आप लोग की अकल पे है, नहीं तो कलयुग भी आप ही के बदौलत पनपेगा। आप लोग अगर इसको नहीं चलाना चाहेंगे तो जो विध्वंस विनाश होगा उसका बोझा आपके सर पे, मराठी में कहना त्याच खापर तुमचा डोका, अपने अकल को ऐसा लगाइए, अपनी बुद्धि को सुबुद्धि में लाइए और सोचिए कि हमने गंगा जी से क्या लिया, क्या पाया, क्या पाने का है। आपने बहुत आनंद पाया है, उस आनंद का एक क्षण जो भी पाया है उसको याद करते रहना चाहिए, और आपको अपने मन से कहना चाहिए कि उसी क्षण में हमेशा रहना है मुझे, चिपक जाएंगे आप वहां पर, और जो भी इधर उधर के फालतू के विचार आ रहे हैं उसको बंद करिए। किसी भी उम्र के आदमी को ये मना नहीं, किसी भी वर्ण के आदमी के लिए ये मना नहीं है, लेकिन आपने क्या पाया है ये देखिए, दूसरों ने क्या पाया, दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने क्या कहा, दूसरे कहां है, ये वगैरह से मतलब नहीं, आपने क्या पाया, जैसे ही आपने पा लिया आप निमित्त हो जाएंगे परमात्मा के, आप हैं क्या, आप तो उसके अंदर एक निमित्त मात्र है ना। 1000 आदमी मुझे चाहिए, मैंने 100 मर्तबा कहा है, जो इस सहस्त्रार्थ पे बैठ जाए, 1000 घोड़े पर बिठाने वाले 1000 आदमी ऐसे चाहिए कि जो बिल्कुल न पकड़े, क्या मुश्किल हो ना, जो निर्लेप हो। अगर आप सहयोग के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने ही लिए तो कर रहे हैं, ऐसा तो हो कोई आदमी कहे कि भाई मैं गया, मैंने जाकर के बाजार में इतना अपने लिए सोना खरीदा, इतनी मैंने चीजें खरीदी, मैंने इतनी मेहनत, आपने इतनी जो भी मेहनत करी, जो भी आपने किया अपने लिए तो किया है, किसी और के लिए नहीं। आपने देखा है ना कि सब कुछ जो भी कुछ आपने किया है उसका लाभ अपने ही को। बहुत से लोग हो गए संसार में आज तक, उन्होंने पाया, एक आध दो एक युग में हुए, बहुत थोड़े आप जानते हैं लोग, आप इससे मिले हैं, कितने लोग रियलाइज हैं संसार में, बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे। और आजकल तो कलयुग का बिल्कुल घोर निनाद चल रहा है, इस वक्त तो पशु ही अधिकतर है, बिना पुच्छ के पशु बहुत सारे हैं। पर इसी कलयुग में, इसी कीचड़ में ही एक विशेष रूप से कार्य होने वाला है, ये आप जानते हैं, हो रहा। ऐसे समय आपको चाहिए कि आप जितना ले सके उतना ले, चित्त को एकाग्र करना भी एक अर्थ रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ देखो वहां देखो, एकाग्र तभी होता है चित्त जब उसके ऊपर का सारा मैल चल जाता, जब वो हल्का हो जाता। अब अपने देश के जो कर्सेस हैं, या अपने देश की जो एक समझ लीजिए एक बड़ा भारी शाप है हमारे देश पर, वो ये है कि हम लोगों के चित्त पर एक बड़ी भारी अजीब सी चीज है, जिसको कि मैं कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द फादर, अपने बाप प्रभु परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया है। वो कौन सा पाप है कि हर समय सोचना कि हम दरिद्री हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कैसा होगा, हमारे पेट का कैसा होगा, बिल्कुल भिखारीपना की बात है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर आपका परमात्मा पर विश्वास है तो कम से कम इतना तो उस पर छोड़ दो कि वो तुमको खाना पीना तो देगा नहीं, तो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने से फायदा भी क्या। ये बड़ा भारी हम लोग पाप करते, परमात्मा पर खाना पीना और ये व्यवस्था अगर हम छोड़ दें तो हिंदुस्तानी आदमी बहुत ऊंचा उठ सकता। दो तरह के पाप हैं, एक तो पाप ये है कि बाप के पितृत्व पे शंका करना, और दूसरा मैं कहती हूँ कि सिन अगेंस्ट द मदर, वो वहां पर हो रहा है जिसमें चारित्रिक दोष, इंडल्जेंसेस, भोग, घर गृहस्थी का तोड़ देना, बेछूट हो जाना, तो वहां दोष हो, दोनों नर्क के रास्ते सीधे जाने की व्यवस्था।
सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।